गुजरात के सरकार के जो जो निर्णय ऐसे हैं जो हमने नहीं ले रखे, उन सब की चर्चा हुई और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो ऐसे कोई निर्णय हैं जो गुजरात ने हमारे से बेहतर काम किया है उसको हम तुरंत लागू करेंगे। हरियाणा के लिए सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने देश के अंदर प्राकृतिक कृषि का बीड़ा उठा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में पूरी गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के कृषि मंत्री जी, वहाँ के अधिकारी सब आकर के इस दिशा में जो गुजरात ने क्या किया है और इस दिशा में हरियाणा ने क्या किया है, हमने सारी आदान प्रदान किया और मिलकर के नीतियां बना करके इस अभियान को कितना जल्दी हम कामयाब करें, ऐसी चर्चा आज हमने की है और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और देश के किसान के लिए ये जो है प्राकृतिक कृषि एक जीवनदायिनी, मानवता के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां देने वाली और भारत के किसान की कायाकल्प करने वाला अभियान है। हम सब इसमें जुड़ करके, और मैं धन्यवाद करता हूँ महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने, जिन्होंने पूरी कमिटमेंट से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का गौरव है, भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का सम्मान है, जिन्होंने विश्व में भारत की गरिमा और गौरव को बढ़ाया है, भारत के चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व का इस देश का प्रधानमंत्री हो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। हम सब परमात्मा से कामना करते हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनकी आयु दीर्घायु होवे और वो और यशस्वी होते रहें और इस देश का गौरव गरिमा विश्व में यूं ही बढ़ाते रहें। उनके जन्म दिवस पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी गुजरात सरकार, गुजरात की जनता, हरियाणा प्रदेश, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता उनके प्रति बहुत मंगल और शुभकामनाएं व्यक्त करती है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, वहाँ के कृषि मंत्री श्री राघव पटेल जी और अन्य उच्च अधिकारी कृषि यहाँ पधारे, इसी के साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री जेपी दलाल जी और हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और अनेक साइंटिस्ट और कृषि वैज्ञानिक बीसी प्राकृतिक खेती को देखने के लिए यहाँ खेत में पधारे और सबने अनुभव किया है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से उत्पादन कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किसान की लागत शून्य हो जाती है, पर्यावरण बचता है, पानी का संरक्षण होता है, ये देसी गाय पर आधारित होने के कारण गाय का संरक्षण होता है और इसका आहार लेकर लोग स्वस्थ बनते हैं, किसान की आय बढ़ जाती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि भारत का किसान समृद्ध हो।